श्रीमद्भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय दशम, द्वारका के प्रति, द्वारका के लिए भगवान कृष्ण का प्रस्थान, श्लोक संख्या 23, शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा। सवा अयम यत् पदमत्र सूरयो जितेन्द्रिया निर्जित मातरिष्वनः पश्यन्ति भक्त्योत्कलिता मलात्मना नन्वेश सत्वं परिमार्ष्टुम् अर्हति। शब्दार्थ सह वह वै भगवत कृपा द्वारा अयम यह यत् जो पदम अत्र यहाँ वही भगवान श्री कृष्ण है, सूरयः बड़े बड़े भक्तगण, जीता इंद्रियाः जिन्होंने इंद्रियों के प्रभाव को जीत लिया है, निर्जिता पूर्ण रूप से संयमित, मातरिष्वनः जीवन पश्यन्ति देख सकते हैं, भक्ति भक्तिमय सेवा से, उत्कलिता विकसित, अमल आत्मना जिनके मन पूरी तरह विमल है उनका, ननु एषः निश्चित रूप से इसी के द्वारा सत्वम जगत अस्तित्व परिमार्ष्टुम मन को पूरी तरह स्वच्छ करने के लिए अर्हति के योग्य है। अनुवाद, ये वे ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं जिनके दिव्य रूप का अनुभव बड़े बड़े भक्तों द्वारा किया जाता है, जिन्होंने सुदृढ़ भक्ति द्वारा तथा जीवन एवं इंद्रियों पर पूर्ण संयम द्वारा भौतिक चेतना से पूर्ण रूप से विशुद्ध हो चुके हैं तथा अस्तित्व को विमल बनाने का यही एकमात्र मार्ग है। तात्पर्य, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, भगवान केवल भक्तिमय सेवा द्वारा अपने वास्तविक रूप में जाने जा सकते हैं। अतएव यहाँ पर बताया गया है कि केवल महान भगवत भक्त जो कठिन भक्तिमय सेवा द्वारा मन के सारे भौतिक मैल को धो सकते हैं, वे ही भगवान को यथारूप अनुभव कर सकते हैं। जितेंद्रिय का अर्थ है इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण रखने वाला। इंद्रियां शरीर की सक्रिय अंग है और उनके कार्यों को रोक पाना असंभव नहीं, संभव नहीं। इंद्रियों को निष्क्रिय बनाने के लिए योग के कृत्रिम साधन सर्वथा निष्फल सिद्ध हुए हैं। यहाँ तक कि विश्वामित्र मुनि जैसे महान योगी शरीर के प्रसंग में भी विश्वामित्र मुनि ने यौगिक समाधि के द्वारा इंद्रियों को वश में कर रखा था, किंतु जब उनकी भेंट मेनका से हो गई तो वे काम के शिकार हो गए और इंद्रियों को वश में करने की उनकी कृत्रिम विधि विफल हो गई। लेकिन शुद्ध भक्त के किस्से में ऐसा नहीं होता कि कृत्रिम साधन से इंद्रियों को कार्य करने से रोका जाए, अपितु उन्हें अन्य अच्छे कार्यों में व्यस्त रखा जाता है। जब इंद्रियां अधिक आकर्षक कार्यों में लग जाती है तो किन्हीं निकृष्ट कार्यों के प्रति उनके उन्मुख होने की संभावना नहीं रह जाती। भगवद गीता में कहा गया है कि इंद्रियों को अच्छे कार्यों में लगाने के ही द्वारा ही वश में रखा जा सकता है। भक्ति की अनिवार्यता है कि इंद्रियों को विमल किया जाए या भक्ति में से हमें लगाया जाए। भक्ति का अर्थ निष्क्रियता नहीं है। भगवान की से हमें जो कुछ भी किया जाता है वह उनकी भौतिक प्रकृति से तुरंत ही पवित्र हो जाता है। भौतिक धारणा अज्ञान के कारण ही है, वासुदेव के परे कुछ भी नहीं है। ग्रहणशील इंद्रियों के दीर्घकालीन अभ्यास से ही विद्वान के हृदय में धीरे धीरे वासुदेव अनुभूति जागृत होती है। लेकिन वासुदेव ही सब कुछ है ऐसा स्वीकार करने के ज्ञान में ही इस विधि का समापन होता है। भक्तिमय सेवा में यही विधि शुरुआत से स्वीकार की जाती है और भगवत कृपा से अंतःकरण में भगवान के आदेश से सारा वास्तविक ज्ञान प्रकट हो जाता है। अतएव भक्तिमय सेवा द्वारा इंद्रियों को वश में करना एकमात्र सरलतम साधन है। ये हस्तिनापुर की स्त्रियां बोल रही है।
ये प्रार्थना स्तुति प्रार्थना कर रही है, स्तुति जो भगवान को वेदों से भी ज़्यादा प्रिय आकर्षक लगती है, वेदों की स्तुति से भी। ये बोल रहे हैं कि ये वे ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है जिनके दिव्य रूप का अनुभव बड़े बड़े भक्तों द्वारा किया जाता है, जो सुदृढ़ भक्ति द्वारा तथा जीवन एवं इंद्रियों पर संपूर्ण संयम द्वारा भौतिक चेतना से पूर्ण रूप से विशुद्ध हो चुके हैं तथा अस्तित्व को विमल बनाने का यही एकमात्र मार्ग है। तो भगवान को हम देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं यदि हम पूर्ण रूप से विशुद्ध हो गए हैं। यही है कि उनका अनुभव किन से होता है, जो जिनका इंद्रियों पर पूर्ण रूप से संयम है। तो इंद्रियों पर संयम करना बहुत कठिन है, योग क्रिया में का मूल हेतु है इंद्रियों को कृत्रिम रूप से संयमित करना। प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम का हेतु ही ये है। अभी योग का तो लोग इंद्रिय तृप्ति में ज़्यादा इंद्रिय का मजबूत बने इंद्रिय तृप्ति के लिए, इसीलिए लोग योग करते हैं कि हमारा शरीर अच्छा रहे इसीलिए लोग। लेकिन योग का मूल उद्देश्य क्या है, इंद्रियों को कंट्रोल करना। लोग सोचते हैं कि मेरा शारीरिक पीड़ा है तो उसको मैं दूर हो जाए तो मैं अच्छी तरह इंद्रिय तृप्ति कर सकूँ। तो योग का पूरा उल्टा उद्देश्य कर दिया, योग भगाड़े रोग, योग मटाड़े रोग। तो मेन योग यानी जोड़ना। तो योग का उद्देश्य है इंद्रिया जो इधर उधर भागती रहती है, ये लाओ वो लाओ, ये खाओ वो ये देखो वो देखो, तो उससे निकाल के भगवान के चिंतन में लगाने का मेन योग का उद्देश्य है, भगवान से जुड़ने के लिए। लेकिन वो तो नष्ट हो गया। फिर भी ये जो योग पद्धति है अष्टांग योग पद्धति, तो उससे कृत्रिम रूप से इंद्रियों को कंट्रोल करेंगे तो वो ज़्यादा नहीं चलेगा। जैसे विश्वामित्र मुनि का उदाहरण दे रहे श्री प्रभुपाद कि विश्वामित्र मुनि ने हजारों साल तप किया था, हजारों साल योग किया था, लेकिन जब मेनका के पायल की आवाज़ सुनी तो उसका ध्यान विचलित हो गया और तुरंत वो उनका पतन हो गया। देखिए हजारों साल योग इंद्रियों को कंट्रोल करने के बावजूद भी, यानी योग पद्धति निष्फल हो गई, अष्टांग योग पद्धति निष्फल है मन को संयमित करने के लिए। लेकिन भक्ति योग की जो पद्धति है उसमें इंद्रियों को कंट्रोल करने की जगह इंद्रियों को भगवान की सेवा में उच्च टेस्ट में लगाया जाए। भगवद गीता में श्लोक है ना, ये कि इंद्रियों को इंद्रियों भोग से दूर रखने से कभी भी वो कंट्रोल में नहीं आएगी, लेकिन उसको उच्च प्रकार का टेस्ट देने से वो कंट्रोल में आएगी। रसो वर्ज्यम रसोप्यसी परम दृष्ट्वा निवर्तन्ते, मतलब उसको उच्च टेस्ट में अगर इंद्रियों को अच्छी जगह लगाया जाएगा तो उसका कार्य, वो इंद्रिय कंट्रोल में आएगी और वो इंद्रिय से मन विशुद्ध होगा, शुद्ध होगा, और वो शुद्ध मन से हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं। ये पूरा सिस्टम भक्ति योग इतना परफेक्ट सिस्टम है कि कोई भी विद्वान हो अविद्वान हो धनी हो गरीब हो कोई भी, बस करना क्या है, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। तो हमारी 10 इंद्रियां है मन सहित 11, तो क्या करना है, जैसे अम्बरीश महाराज ने सभी सभी मना कृष्ण पदारविंद यो, सभी इंद्रियों को मन सहित कृष्ण के पदारविंद में कृष्ण की सेवा में लगाया था। करोड़ हस्त मंदिर मार्जनेशु, हाथ को भगवान के मंदिर मार्जन में लगाया था, भक्तों स्पर्शेंद्रियों को भक्तों का स्पर्श करने में, पैर को भगवान के मंदिर जाने में, आँख को भगवान का दर्शन भक्तों का दर्शन करने में, कान को भगवान की कथा सुनने में। तो इस प्रकार हमारी 10 इंद्रियों को अगर हम भगवान की सेवा में लगाएंगे तो
तो हमारा पूर्ण रूप से शुद्धिकरण होगा। और यहां लिखा है कि ये साक्षात कृष्ण वही है जिनका दर्शन भक्तों करते हैं। वो ऐसे भक्त जिनकी इंद्रियों पूरी तरह से विशुद्ध हो गई है, जो इंद्रियों पर पूर्ण रूप से संयम है, तो वो ही भगवान को दर्शन कर सकते। और यहां लिखा है, उन्होंने कहा है कि ये अस्तित्व को विमल यानी विशुद्ध बनाने का यही एकमात्र मार्ग है। देखिए, और कोई रास्ता नहीं है। भगवान की सेवा में जो कुछ भी किया जाता है वो उनकी भौतिक प्रकृति से तुरंत ही पवित्र हो जाता है। तो ऐसा नहीं है हम लोगों को हमारी इंद्रिय बहुत विचलित है, हमारी आँख ऐसा देखना चाहती है, भौतिक चीज़ें देखना चाहती है, तो अभी हम देखना ही बंद कर दें, कुछ नहीं देखें। नहीं, हमारी आँख को हम भगवान का दर्शन करने के लिए लगा दें, हमारे हाथ को पैर को सब भगवान की सेवा में लगा दें। बहुत सारी सेवाएं, जैसे यहाँ सब हार बनाते हैं, भगवान की आरती करते हैं, श्लोक लिखते हैं, तो हमारा हाथ कहाँ लगा? भगवान की सेवा में। कितनी सरल बात है, जैसे बच्चे लोग बाल मंदिर पढ़ने जाते हैं, नर्सरी, जूनियर केजी, सीनियर केजी, नर्सरी में पढ़ने जाते हैं, तो उनको पढ़ाया क्या जाता है, कैसे जाता है? उसको खिलौना देते हैं, खिलौना से पढ़ाया जाता है उनको, है ना, तो उनको अच्छा लगता है। हम लोगों को भी पढ़ाया जाए तो अगर खेल खेल में पढ़ाया जाएगा तो अच्छा लगेगा सबको, लेकिन ये सब पूरा क्लास में बैठो और कुछ समझ में नहीं आता ऐसा पढ़ो तो कोई नहीं पढ़ेगा। इसी प्रकार ये जो भक्ति है ऐसे ही है, हमको जो पसंद है वो हमको दिया जाता है। जैसे नाचना हमको पसंद है, हाँ, नाचना हमको पसंद है, तो यस, भक्ति में नाचो, कृष्ण के लिए नाचो, मंगल आरती में नाचो, कीर्तन में नाचो, प्रसाद भगवान को अर्पण करके खाने में हमको हमारा इंद्रिया, ये जीवा जो है, जीवा वो खाने के लिए लालायित रहती है, तो उनको कृष्ण प्रसाद दो, तो जीवा का क्या होगा, शुद्धिकरण शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो कृष्ण की सेवा में लगा है। तो खाना तो हम लोग, जैसे लोग बोलते आप लोग क्या खाते हो, आप नहीं चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, हाँ, नहीं आप लहसुन प्याज वाला खाते, आप खाते क्या है, है ना, तो ये यहाँ क्लियर होता है कि हम कृष्ण प्रसाद ग्रहण करते हैं, हाँ, कृष्ण प्रसाद, और कृष्ण प्रसाद से हमारी इंद्रिया संतुष्ट होती है, इसलिए हम लोग संतुष्ट हैं। जैसे लोग होटल में खाना खाने जाते हैं तो वहाँ खाना खाते हैं, फिर उनको अच्छा लगता है, दूसरी बार जाते हैं, तीसरी बार जाते हैं, ऐसे वो लोग फिर कभी नहीं मज़ा नहीं आया, दूसरी होटल में जाते, तीसरे होटल में जाते हैं, तो उनकी खाने की ये जो ये है, खाने की तृप्त मतलब इच्छा वो बढ़ती रहती है। अभी मैं आज ये खाया, अभी चाइनीज़ फूड खाया, अभी फिर मैं मैक्सिकन फूड खाऊंगा, फिर इटालियन फूड खाऊंगा, फिर ये खाऊंगा वो खाऊंगा, उसकी बढ़ती रहती है खाने के प्रति, समझ रहे, इंद्रियों उसकी अनकंट्रोल हो रही है। जबकि भक्त सिर्फ कृष्ण प्रसाद खाते हैं तो धीरे धीरे उसकी इंद्रिय संतुष्टि होती है, तो वो ऐसा जैसे ही वो प्रसाद ग्रहण करता है फिर वो जो मिलता है ठीक है चलेगा। हमको ऐसा नहीं कि पिज्ज़ा ही चाहिए, मैक्सिकन फूड चाहिए, इटालियन फूड चाहिए, चाइनीज फूड चाहिए, नहीं, जो मिले भगवान की कृपा से, चावल राइस सब्जी रोटी और दाल, बस चलेगा। ये क्यों होता है ऐसा? क्योंकि इंद्रिया कंट्रोल में आ जाती है, नियंत्रण में आ जाती है, कृष्ण प्रसाद ग्रहण करते हैं, विशुद्ध हो जाती है। विशुद्ध इंद्रियों को कोई आवश्यकता नहीं है ये सब, हाँ, इंद्रिय तृप्ति करने की। तो ये उदाहरण है जीवा को कंट्रोल करने का, अपने आप कंट्रोल में आ जाएगी। नहीं तो अभी देखो, हम लोग भी भूखे होते तो थोड़े ये होता है, भूखे भूखे, जैसे उपवास, अभी सब लोगों ने उपवास किया था, 1 बजे प्रसाद मिला, 2 बजे प्रसाद मिला, सुबह से कुछ प्रसाद नहीं ग्रहण किया था, लेकिन किसी को ऐसा लगा नहीं कि हम भूखे हैं। आप सोचिए क्यों? क्योंकि हम पूरे रूप से भगवान कृष्णा और उनके भक्त की सेवा में लगे हुए थे। तो ये उपवास भी करते हैं, अभी समझो हम भक्ति में नहीं थे, तो एक बार मुझे बोला एकादशी करो, मैं छोटा था, छोटा यानी 15 साल का करीब था, तो मुझे बोला उपवास करना है आज, उपवास करो, बोला ठीक है करूँगा।
तो पूरा दिन खाना 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 ही याद आया है? ऐसा है, इंद्रिय कंट्रोल में नहीं है ना। लेकिन यदि हम भगवान के लिए उपवास करेंगे तो उपवास के साथ साथ हम भगवान की सेवा करते रहेंगे, कहाँ दिन निकल गया, हमारी इंद्रिया को कोई हमको परेशान नहीं करती। तो विशुद्ध इंद्रिया, इंद्रिया में से सर्प, जहरीला सर्प जैसी इंद्रिया, वो जहर है, बहुत जहरी है। जैसे मैंने बताया कि अभी व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं होगा, जैसे व्यभिचार करते हैं लोग, कोई व्यभिचार करते हैं, कोई व्यक्ति इलिसिट सेक्स एक जगह जाता है, फिर दूसरी जगह जाते हैं, ऐसे करके जैसे जैसे वो अनियंत्रित जातीय इच्छा इंद्रिय तृप्ति पूरी करने जाता है, वैसे वो भड़कती है, बढ़ती है, और वो और बार और जैसे हम देखते हैं, ये जो पूरा एडवर्टाइजमेंट होता है वो इंद्रिय को भड़काने के लिए होती है, इंद्रिय को और भड़काती है, इंद्रिय शांत नहीं होती उससे। उसमें स्त्री आती है ज़्यादातर, अभी जिसमें ज़रूरत नहीं है वो भी जाहिरात में स्त्री आती है, तो स्त्री आके और उनको देख के भड़क जाते हैं लोग, और इंद्रिय तृप्ति, जैसे अग्नि में पानी डालने से अग्नि बुझता है, लेकिन ये अग्नि में पेट्रोल डालते हैं तो कहाँ से बुझेगा, तो ऐसा है। तो अग्नि में, अग्नि ये अपनी काम वासना रूपी अग्नि को बुझाना है तो कृष्ण की सेवा करनी पड़ेगी, अपनी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाना है। नहीं तो मैंने देखा है ऐसे बहुत व्यभिचारी लोग रोते हैं, उनको पूरी दुनिया की स्त्री दे देना तो भी उसको संतुष्टि नहीं होगी, ऐसे लोग हैं। मतलब ये काम वासना की तृप्ति ऐसी है। देखिए आज सबसे ज़्यादा, सबसे गंदा बिजनेस व्यवसाय है पोर्नोग्राफी। और क्यों इतना पोर्नोग्राफी चल रहा है? क्योंकि लोगों, ये लोगों की इंद्रियों को अनियंत्रित बनाती है, और एक के बाद दूसरा। कभी कभी जैसे हमने सुना कि माया, ये माया की सेवा है, तो माया कभी भी हमसे सेवा करने के लिए रोकेगी नहीं हमको, कि भाई अभी मेरी सेवा मत करो, और सेवा करता ही रहेगा, थकेगा तो भी करता रहेगा, संतुष्टि नहीं होगी। तो ऐसा ही जातीय जीवन, इसीलिए पोर्नोग्राफी जैसा बिजनेस चलता है, कितना गंदा। महाराज बता रहे थे एक बार कि सबसे पहले ये बिजनेस बंद करना चाहिए, ये गंदा चीज़, और ये इंद्रियों को अनियंत्रित कर देती है और भक्तों को भी विचलित कर देती है। जैसे तो, लेकिन भक्तों को अपना ज़्यादा समय भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, ज़्यादा समय, तो ही हमारी ये नियंत्रण में आएंगे। नहीं तो ये इंटरनेट के माध्यम से स्मार्टफोन ने हमको बेवकूफ़ बना दिया, वो स्मार्ट है, ये माया का फ़ोन है स्मार्टफोन, इसका नाम क्या है, स्मार्ट। तो माया का एक स्मार्ट इंस्ट्रूमेंट है जो हमको भगवान का दर्शन करने से बिल्कुल रोकेगा, बिल्कुल रोकेगा। अगर हमने स्मार्टफोन को भगवान कृष्ण की सेवा में नहीं लगाया तो हमको बर्बाद कर देगा स्मार्टफोन, हमको पुनरपि जननम, इस जन्म में भगवान के पास नहीं ले जाएगा। जहाँ बता दे कि इंद्रियों पर पूर्ण संयम द्वारा ये कर सकते हैं, तो अपनी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में ही लगाना है, ये हमें बहुत दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा। अगर हम जैसे बच्चा एक खिलौना खेल रहा है, उसको बहुत मजा आ रहा है, लेकिन हम देखेंगे कि वो खिलौने से उसको तकलीफ हो रही है, उसका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, वो खाना नहीं खाता है, तो हम खिलौना छीन लेंगे तो वो बहुत रोएगा, और ज़्यादा रोएगा। लेकिन उसको खिलौना निकाल के उसको और चीज़, अच्छी चीज़ देंगे तो वो चुप हो जाएगा, है ना। ऐसा ही हम लोगों को ये सब इंद्रिय तृप्ति में हम लगे हैं, लेकिन अगर ये इंद्रिय तृप्ति की जगह हम कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति में लग जाएंगे, कृष्ण की सेवा में लग जाएंगे, तो हम स्वाभाविक रूप से, साहजिकता से हम भगवान की सेवा में लग जाएंगे, तो हमारी ये काम वासना कम हो जाएगी। फिर हम लोग कभी भी, जैसे हरिदास ठाकुर
साक्षात माया देवी उनका परीक्षा लेने आए सुंदर रूप सज के संध्या समय। लेकिन हरिदास ठाकुर विचलित नहीं हुए। उससे पहले एक वेश्या, सुंदर वेश्या रात को आई, तीन रात हरिदास ठाकुर ने उसको हरिनाम सुना और वो भक्त बन गई। पर हरिदास ठाकुर विचलित नहीं हुए, ये देखना है। जबकि विश्वामित्र मुनि 60,000 साल के बाद भी विचलित हो गए। तो ये इंद्रियों को कृत्रिम रूप से कंट्रोल करने का प्रयास किया विश्वामित्र मुनि ने, और हरिदास ठाकुर ने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा हरि नाम में। वेश्या आके बोली मुझे आपके साथ संग करना है, ठीक है आप बैठिए, मेरा नियम है मैं हर रोज 300,000 नाम जप करता हूँ तो वो पूरा होगा, तुरंत मैं आपकी इच्छा पूर्ण करूँगी। तो जपते रहे पूरा सुबह होने आया, वो क्षमा करना मैं पूरा नहीं कर पाया लेकिन कल मैं आपकी इच्छा पूरी कर दूंगी। तो इस प्रकार से 3 दिन वो वेश्या ने भगवान का नाम सुना शुद्ध भक्त के मुख के द्वारा, वो भक्त बन गई। तो ये है, हमें लोगों को भक्त बनाना है तो पहले हमारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना पड़ेगा। हम लोगों को बोलेंगे कि आप लोग भक्त बनो, लेकिन हम लोग इंद्रियों को भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे तो लोग कैसे अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे। तो ये हमको यहाँ इस श्लोक से ये पाठ लेना है। और प्रभुपाद यही कहते हैं, और जो कहते हैं हमारी इंद्रियों के द्वारा बहुत दीर्घकालीन अभ्यास करने के बाद, भगवद गीता में एक श्लोक आता है ना कि बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ। वासुदेव ही सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम है, हाँ सर्वसमर्थ, सब कुछ वासुदेव ही है। ये समझने के लिए अनेक 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 जन्मों तक जो ब्रह्मवादी लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, वो ज्ञानी लोग अनेक 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 जन्मों के बाद ये समझ आता है कि वासुदेव ही सब कुछ है। आप समझिए, और भक्ति की शुरुआत में ही ये सिखाया जाता है कि वासुदेव ईश्वर परमा कृष्ण। देखिए ये अन्य योग पद्धति में ज्ञान योग ध्यान योग ये सब में बहुत साल लगेगा, बहुत जन्म लगेंगे। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ। ऐसे महात्मा दुर्लभ है जो अनेक अनेक जन्मों के बाद ज्ञानी वासुदेव को स्वीकारते कि वही सब कुछ है। ऐसे महात्मा दुर्लभ है, महात्मा बोले जाते हैं। लेकिन भक्त तो पहले ही भक्ति की शुरुआत से ही महात्मा है, ऐसे कैसे? क्योंकि उसने स्वीकार कर लिया कि अकेले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, सिर्फ कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है, मालिक है और सब नौकर चाकर। इसीलिए भक्त पहले ही दिन से मुक्त होता है, उसको बहुत जन्म लेने नहीं पड़ते हैं। जो ज्ञानी है वो सोचते हैं भगवान जो भी है, स्पेकुलेशन करते हैं ज्ञान का, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, भगवान निराकार है, ऐसा वो स्पेकुलेशन करते हैं। लेकिन यहां कहते हैं भक्तिमय सेवा की यह विधि शुरुआत से स्वीकार की जाती है। क्या विधि? कि वासुदेव सब कुछ है, तब से भक्ति शुरू होती है हमारी, भक्ति की शुरुआत में। यहां तो अनेक जन्मों के बाद ये पता चलता है ज्ञान योग में ध्यान योग में। ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक छोटा सा बच्चा भी अगर कृष्ण को स्वीकार कि नहीं कृष्ण ही भगवान है और कोई नहीं, और कोई भगवान नहीं है, वही सब कुछ है, तो बच्चा शुद्ध भक्त बन सकता है इतना स्वीकारने से। तो यहां से शुरुआत होती है भगवान को स्वीकारना, और फिर धीरे 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 आगे बढ़ के हमारी इंद्रियां दूषित है तो अपने आप कृष्ण की कृपा से कृष्ण सेवा से इंद्रिय शुद्ध होगी। तो यही जन्म के बाद और यही जन्म में हम भगवान का दर्शन साक्षात दर्शन कर सकते हैं। भगवत कृपा से अंतकरण में भगवान के आदेश से सारा वास्तविक ज्ञान प्रकट हो जाता है। अतएव भक्तिमय सेवा द्वारा इंद्रियों को वश में करना एकमात्र सरलतम साधन है। यानी भक्ति करो और भगवान को प्राप्त करो, इंद्रियों को वश करो। भक्तिमय सेवा द्वारा इंद्रियों को वश कर सकते हैं और कुछ नहीं। मैं जैसे हमने एग्जांपल दिया कि हम लोग भी प्रसाद खाते, हम सिर्फ प्रसाद खाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं प्रसाद के अलावा कुछ नहीं खाते।
हाँ, इसीलिए हमारा शुद्धिकरण होता है। हम ये देखते नहीं, अरे यहाँ बहुत बढ़िया पिज्जा मिल रहा है, चलो ना आज खा ले। नहीं, भक्त कभी ऐसा नहीं करता है। तो ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि वो पहले ही दिन से भक्ति स्वीकार करता है, कृष्ण सब कुछ है और मुझे कृष्ण की सेवा के लिए ही कुछ करना है, सब कुछ करना है, इंद्रिय को लगाना है। यह है ना, सरल बात है ना। हमारे बच्चे भी जो जानते हैं और भक्ति करते हैं तो वो बाहर का नहीं खाते हैं। ये तो कितनी बड़ी कृपा है भगवान की। और कितना खेल खेल में, खेलने में, जैसे हमारे साथ पुस्तक वितरण में बच्चे लोग आते हैं, वो पुस्तक पकड़ते हाथ में, घर घर जाते हैं, बोलते हरे कृष्णा, मीठी मीठी भाषा में बोलते हैं, तो ये सेवा में लग गए शुरुआत से। तो ऐसे ही सेवा में एक बच्चा भी भगवान की सेवा, अभी उसको बोले तुम योग करो करेगा नहीं, नहीं कर पाएगा बच्चे लोग, इतना छोटा बच्चा कैसे करेगा योग नहीं कर पाएगा, ध्यान नहीं कर पाएगा, उसको ज्ञान तो कुछ है ही नहीं। लेकिन भक्तिमय सेवा इतनी पावरफुल है कि भक्तिमय सेवा करने से अपने आप इंद्रिय कंट्रोल में आ जाती है, और छोटा बच्चा भी। प्रभुपाद कहते हैं इवन चाइल्ड कैन टेक पार्ट इन दिस चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र। एक छोटा सा बच्चा भी हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन में लग सकता है। तो जब कीर्तन करते छोटे बच्चे भी लगते हैं, है ना, वो उनको भी अच्छा लगता है, नाचते हैं छोटे बच्चे, उनको मालूम नहीं हम क्या कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो भक्तिमय सेवा कर रहे हैं इसलिए उनका शुद्धिकरण होता है। और ऐसे शुद्धिकरण से हम भगवान को, भगवान का दर्शन कर सकते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।